सपने देखना सबको अच्छा लगता है और सोते समय हर इंसान को सपने जरूर आते हैं। विज्ञान कहता है कि व्यक्ति दिन में जो देखता सुनता या अनुभव करता है, सोते वक्त दिमाग उन्हीं चीजों को सपनों में दिखता है। कुछ बातों को वह भविष्य के अनुभव के लिए सहेज लेता है और बाकी बातें याददाश्त से लुप्त हो जाती हैं। वहीं एक तर्क यह भी दिया जाता है कि व्यक्ति जो काम वास्तविक जीवन में नहीं कर पाता है, सपनों के जरिए उन्हें देखता है। कई बार सपनों को देखने में हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डरावने सपने भी बहुत आते हैं। इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई होती है और ये बात एक ताजा रिसर्च में सामने आई है। कई लोगों को नींद आने में भी दिक्कत होती है या देर से सोने की आदत होती है और डरावने सपनों से भी उनकी आंख खुल जाती है और घबराहट के कारण नींद नहीं आती। इसके पीछे का मुख्य कारण अवसाद यानी डिप्रेशन है। व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होता है, उसकी जिंदगी में सब गलत होता है या फिर वो नकारात्मक बातें दिमाग में रखता है तो बुरे सपने उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और ऐसा रिसर्च में साफ हुआ है। यह रिसर्च फिनलैंड यूनिवर्सिटी और फिनिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कुछ शोधकर्ताओं ने एक साथ मिलकर दो रिसर्च को एक साथ मिलाकर ये बात कथित तौर पर कही है। इसमें पता चला है कि 25 सेकंड 74 साल तक के लोगों में डिप्रेशन के कारण बुरे सपने आते हैं। रिसर्च में पता चला कि 3.9% लोगों को पिछले 30 दिनों में लगभग हर रात बुरे सपने आए। इसमें 4.8% महिलाएं और 2.9% पुरुष शामिल रहे हैं। रिसर्च में पता चला कि इस तरह के सपने अनिद्रा, थकान, डिप्रेशन के लक्षण और खुद के प्रति बुरे रवैया रखने की वजह से आते हैं। तो अगर आप इन सपनों से बचना चाहते हैं और चैन से सोना चाहते हैं तो आपको तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकलना ही चाहिए। सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर सोए, जो आपकी दिन भर की थकान उतारने में मदद करता है और बुरे सपनों से बचाता है।